नया आदमी है तो बिल्कुल मेंबरशिप लेना चाहिए। इवन नया आदमी बिना मेंबरशिप के सूरत आता है, वो अपना 20-50 हज़ार 1 लाख जो भी इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके बाद में वो दोबारा सूरत आने यूट्यूब के थ्रू देख के तो कभी परचेज मत करना। आपने मोस्टली यूट्यूब पे जो भी है सारे होलसेलर है, कोई मैन्युफैक्चरर है नहीं, जिनको सिर्फ नए कस्टमर चाहिए, रिपीट कस्टमर उनके पास है नहीं। मैन्युफैक्चरर है ना, यूट्यूब पे कभी आते ही नहीं, वो वीडियो बनाएगा ही नहीं, तो वो सिर्फ नए को जो नया हमारी तरह नया बिजनेसमैन बनना चाहता है उनको अट्रैक्ट करते, एक दो बार वो शॉपिंग कर लेते, दोबारा वो आते नहीं। कोई भी नया बंदा है अपना मेंबरशिप ले लेना चाहिए, बिना मेंबरशिप के अगर यहाँ आएगा परचेस करने के लिए तो वो तो धोखा ही। अच्छा, हम लोग जैसे ग्रुप विजिट करते हैं इसमें क्या बेनिफिट है, मतलब हम लोग एक दूसरे से फायदा मिलता है? मतलब मेरे इंटेंशन यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े अपने ग्रुप के साथ जुड़े, और जहाँ जैसे अभी जो ऑनलाइन बाय कर रहे हैं या फिर जहाँ से भी बाय कर रहे हैं, मतलब उनको एक सही जगह से माल मिलना चाहिए, मेरा इंटेंशन हमेशा यही रहता है। तो आपको लगता है कि जैसे आपने भी खरीदा हुआ होगा कहीं से माल, आपने ऑनलाइन खरीदा हुआ है, मतलब किसी का नाम लेने का ऐसा कुछ है नहीं, इंटेंशन अपना नहीं है भाई किसी को बदनाम करना। बाकी मेरा ये कहना है, मतलब कि आपने यहाँ पे अभी देखा जहाँ पे हम लोग देख के आ रहे हैं, आपको कैसा लगा रेट यहाँ का, और उन लोगों का आपने जहाँ से लिया है वहाँ से कैसा था? इसके पहले मैंने जब स्टार्ट किया तो आप लोग देख के साड़ी वगैरह खरीदा, हाँ, तो उसको सेल करने में काफ़ी दिक्कत आया क्योंकि रेट बहुत हाई मिला। अब हमने आपके साथ आके यहाँ विजिट किया, देखा आपने, हाँ, 4-5 शॉप में गए, उनके क्वालिटी और प्रोडक्ट देखे, तो रेट वाइज तो काफ़ी सही है। ओके, अब प्लस आप तो लेट आए, हम बाकी शॉप से वह भी गए, आपने देखा सुबह से, आप कहाँ से? मैं आप स्टेट बता दीजिए ज्यादा। आप सर कहाँ से? मैं उत्तर प्रदेश बलरामपुर जिला का रहने वाला हूँ, मैं फर्स्ट टाइम विजिट में आया हूँ, मैं अपना नया काम चालू करना चाहता हूँ। ओके ओके, सर जहाँ पे मुझे लेकर के गए दिखाने के लिए, वहाँ का रेट भी बहुत अच्छा लग रहा है, जो मेरे एरिया में होलसेलर है उनसे बहुत कम रेट है। ओके, और आप कहाँ से? छत्तीसगढ़। आप सर? महाराष्ट्र। जयपुर राजस्थान। अच्छा, जयपुर से हैं आप, मतलब मेरे कहने का मतलब आपने पहले माल लिया होगा, आपने देखा होगा, परचेस किया है ना, आपने तो मैन्युफैक्चरर का उसने आपने नाम दिया था, वहां से मैंने। अच्छा, ग्रुप विजिट का कुछ फायदा लगता है आपको? फायदा है ना आपको, क्या फायदा का मालूम, रेट मालूम पड़ जाएगा मार्केट में क्या और यहाँ क्या रेट चलता है उसके बारे में मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, हम लोग जैसे ग्रुप विजिट करते हैं इसमें क्या बेनिफिट है, मतलब हम लोग एक दूसरे से फायदा मिलता है कुछ? क्या फायदा मिला अभी अपना, अगर पर्सनली बोला जाए तो? आपस में डिस्कशन भी हो जाता है कैसे क्या है, और अलग अलग शॉप में एक ही साथ जाने का मौका मिल जाता है, 4-5-6 शॉप अगर हम अकेला जज करने में भी फायदा होता है, जजमेंट के लिए कहाँ का कलेक्शन अच्छा रहता है, कौन सा टाइप का क्वालिटी आपको उधर चलता है, हमारी इधर कैसा चलता है, ये सब, और आपस में डिस्कशन भी हो जाता है कि क्योंकि हमें ज्यादा आइडिया नहीं, हमने व्यापारी है तो रेट वाइज दूसरे भी बता देते कि ये जेन्युइन है, सस्ता है, महंगा है, तो वो भी बेनिफिट, क्वालिटी भी बताते हैं, कुछ लोग क्वालिटी के में माहिर रहते हैं, थोड़ा क्वालिटी जजमेंट के लिए रहते हैं। ओके, तो और बाकी जो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना कैसा है, कुछ है? अच्छा है, सही है, अच्छा है, जो भी जानकारी अपना शेयर करते हैं ग्रुप में भी, मतलब मेरे कहने वाला ये एक नई पहल है, एक ऐसा कभी कॉन्सेप्ट आया नहीं है ना कभी मार्केट में कोई, क्योंकि ये सब कॉम्पिटिशन ऐसा है ना एक दूसरे के साथ कि आप, अगर मैं दुकानदार हूँ आप दुकानदार, तो मेरे को थोड़ी बताओगे आप एरिया में, इवन रिलेशन में भी कोई रिश्तेदार भी नहीं बताएगा आपको कि भाई कहाँ से माल लाता है। तो इवन एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आया जो मार्केट में कोई चीज़ें बताता है कि भाई यहाँ से है, और ये जो ग्रुप विजिट का कॉन्सेप्ट है वो भी एक अलग ही है, क्योंकि ऐसे हम लोग ना मिलते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपस में भी बहुत सारा ट्यूनिंग हो रहा है, क्योंकि आप भी महाराष्ट्र से, वो भी महाराष्ट्र से, और भी महाराष्ट्र से हैं, तो आपको पता भी नहीं था ना कि ये महाराष्ट्र से, अभी हो सकता है आगे नेक्स्ट रिलेशन, जैसे हम लोग फ्रेंडशिप होता है, बिजनेस फ्रेंडशिप जैसा हो जाता है, तो हाँ, तो आपको क्या लगता है मेंबरशिप के बारे में, क्या बोलेंगे, लेना चाहिए मेंबरशिप? ले सकते हैं, नया आदमी है तो बिल्कुल मेंबरशिप लेना चाहिए। इवन नया आदमी बिना मेंबरशिप के सूरत आता है, वो अपना 20-50 हज़ार 1 लाख जो भी इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके बाद में वो दोबारा सूरत आ नहीं पाएगा, इतने यहाँ पे एजेंट लोग हैं, फ्रॉड हो रहा है, सो इनके गाइडेंस के थ्रू आएंगे, भले इनका जो भी एजेंसी का मेंबरशिप का चार्ज है वो जाएगा। देखो चार्जेबल तो है, क्योंकि मैंने टाइम दिया है, मैंने टाइम दिया है, मेहनत करी है, मैंने चीज़ें रिसर्च करी है, मैंने अपना उसमें दिया है, वो तो मैं खुले आम मेरा चार्जेबल है, लेकिन उसका अच्छा एक चीज़ बताऊँ, मैं तो जस्ट एक बोल रहा हूँ आपको, कुछ नहीं ना 10-15% ही फायदा हो गया ना, आप 10,000 का भी माल लेते हो ना तो आपका उतना तो मेंबरशिप चार्ज निकल जाता है, ये वन टाइम है, बाकी आप बिजनेस तो आदमी हर सालों साल करता है, तो मैं वैल्यू फॉर मनी तो है कि नहीं आपको मेंबरशिप लगता है? बिल्कुल, क्योंकि बिना उसके हम तो अभी महाराष्ट्र में सारा जगह घूमे हुए, मुंबई के हैं स्पेशली, फिर भी यहाँ पे आने के बाद में 2-3 जगह यूट्यूब से शॉपिंग किया तो काफी पैसे का नुकसान हुआ है, रेट वाइज क्वालिटी वाइज
मैं तो गाइड करेगा, किसी के गाइडेंस के थ्रू आओ, अपने विकास भाई है सही गाइड कर रहे हैं, पर्सनली मिलते भी है, बात भी हो जाता है उनसे, तो वही है। अब ग्रुप विजिट में भी यही बेनिफिट है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के बोलते हैं। आप क्या बोलते हो? कोई भी नया बंदा है अपना मेंबरशिप ले लेना चाहिए, बिना मेंबरशिप के अगर यहाँ आने आएगा परचेस करने के लिए तो वो तो। और आपने देखा है इतनी सारी शॉप में से कुछ कुछ शॉप में क्यों गए हम, वो भी एक आइडेंटिफाई करी हुई है। ऐसा नहीं आप हर शॉप में भी जाएंगे तो आप हर शॉप में भी वो चीज़ नहीं मिल पाएगी, वो रेट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हम कितनी जगह गए सब में डिफरेंस दिखा, कुछ में किस चीज़ का डिफरेंस था, किसी में कोई वैरायटी अलग डिफरेंस थी था कि नहीं। तो मतलब एक चीज़ है कि अगर आपके पास, मैं तो इतना बोलता हूँ, अगर आदमी अपने ऊपर किसी को लेना नहीं है, अगर आपको विदाउट एक इन्वेस्टमेंट अगर करना है, सपोज आपको लग रहा है कि भाई मुझे मेंबरशिप लेके इन्वेस्टमेंट करना है कि मुझे कहीं आगे फायदा मिलेगा, तो मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए। बाकी अच्छा, जो रिकॉर्डिंग्स मैंने भेजी हैं वो आपने सुनी है? हाँ, सुना है। कैसा है? बहुत यूजफुल है, उसमें मार्केट मैंने कम से कम 55-56 रिकॉर्डिंग्स बनाई हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, तो नॉलेज मिला है उससे कुछ? हाँ, नॉलेज मिला। आपने सुना, सबने सुना है वो हैं? तो सर ये कहना है कि YouTube पे देख के तो कभी परचेज मत करना, कभी मत करना। आपने देख मोस्टली YouTube पे जो भी है सारे होलसेलर है, कोई मैन्युफैक्चरर है नहीं, जिनको सिर्फ नए कस्टमर चाहिए, रिपीट कस्टमर उनके पास है नहीं। मैन्युफैक्चरर है ना, YouTube में कभी आते ही नहीं, वो वीडियो बनाएगा ही नहीं, तो वो सिर्फ नए को, जो नया हमारी तरह नया बिजनेसमैन बनना चाहता है उनको अट्रैक्ट करते हैं, एक दो बार वो शॉपिंग कर लेते हैं, दोबारा वो आते। इतने सारे YouTube पे वीडियो बनाए जा रहे हैं कि हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, उनको सिर्फ नए। देखो हमें उनसे मतलब नहीं, हमें तो सिंपल सी बात है, मैं तो ये चाह रहा हूँ जिसको जुड़ना है आप, अच्छी बात है, आप जुड़िए, ज्वाइन करिए, सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा। मैन्युफैक्चरर है सारे साइलेंस है, अरे उनको जरूरत नहीं। हमें अभी अब हम लोग गए थे, हम उसने कितना टाइम लगाया था हमको दिखाने के लिए, उसको पता है कि भाई जिसको लेना ले, रेट अब उसका एकदम खुला था, सबका एकदम सेट हो गया, माइंड सेट हो गया था, बराबर ना? वही गाइडेंस के थ्रू ही हम जा सकते हैं। आप क्या बोलते हैं? आपने तो देखा है, आपने भी लिया भी है यूट्यूब से? मैं YouTube पे हमेशा देखता रहता था वीडियो, और जब साथ सर के साथ में आया, जो जहाँ पे सर लेकर के गए वहाँ का क्वालिटी भी बहुत अच्छा था, और रेट्स के साथ रेट भी बहुत रिजनेबल था, एकदम बहुत बढ़िया रेट था। आप होलसेल कर सकते हो आगे? बहुत आराम से कर सकता हूँ। कितना परसेंट फर्क था? 30% होलसेल में मिल जाएगा, मिल जाएगा आराम से, मिल जाएगा 30% होलसेल, 30% ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब एक मेजोरिटी का एक फायदा होता है, और भी नई चीज़ नेक्स्ट लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, तो ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, थैंक यू।